सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ सभी को और देखिए स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। और एक नई अपडेट अभी ताज़ा थोड़ी देर पहले आई है कि शाला दर्पण पर जो ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थिति होगी। हालांकि अभी टैब शुरू नहीं किया, अभी कई जैसे अपन व्हाट्सएप पर देख लें कि टैब शुरू हो गया होगा, तो अभी वो टैब शुरू हुआ नहीं है क्योंकि मैंने खुद शाला दर्पण पर देखा है, लेकिन वो जैसे ही एक दो दिन में शुरू होने वाला है तो उसकी प्रक्रिया कैसे रहेगी, कैसे हम शाला दर्पण पे ऑनलाइन उपस्थिति का इंदराज करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा उसमें ध्यान ये रखना है, वैसे हालांकि खोल के पूरी वो फाइल है एक, उसमें पूरे निर्देश जो जो है वो हम उसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा ध्यान उस ऑनलाइन उपस्थिति में रखने का जो है वो ये है कि जो शाला दर्पण पर उपस्थिति का अंकन है वो उसी दिन को मध्य रात्रि तक, फिलहाल ये व्यवस्था की गई कि उसी दिन को मध्य रात्रि तक उपस्थिति का अंकन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आज 15 तारीख है तो 15 तारीख की उपस्थिति का अंकन 15 तारीख को मध्य रात्रि तक हम कर सकते हैं, दूसरे दिन हम उस दिन की उपस्थिति का अंकन नहीं कर सकते बैक डेट में। तो इसलिए शाला दर्पण पर जो भी ऑनलाइन उपस्थिति करनी है, जब से ये टैब चालू हो जाए तो ध्यान रखना है कि उसी दिन हमें उपस्थिति का अंकन करना है। और उसमें तो ये लिख रहा है कि यथाशीघ्र हमें उपस्थिति का अंकन शाला दर्पण पर करना है रोजाना का, और उसी समय का भी उसमें ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं है कि हम उस दिन कर सकते हैं तो हम रात को 11 बजे उपस्थिति का अंकन करें, यदि ऐसा करेंगे तो वो समय दर्ज होगा वहां पर आगे शाला दर्पण शैल में। इसलिए ध्यान रखने की बात इसमें मोस्टली ये है कि जल्दी से जल्दी उपस्थिति का अंकन हमें करना है, लेकिन ये सुविधा मध्य रात्रि तक रहेगी। उस दिन अगर वो दिन निकल गया तो दूसरे दिन उस उपस्थिति का अंकन कर्मचारी का नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगी उसकी मैंने पहले चर्चा की। अब आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस चीज की कि क्या है शाला दर्पण पर उपस्थिति का अंकन। तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है कि विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियमित उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से एतद द्वारा प्रारंभ की जाती है। ऐसा लिख दिया, इसका मतलब शायद संभावना है कि कल या परसों में ये टैब शुरू हो जाए, कभी भी टैब शुरू हो सकता है, हमें शाला दर्पण को चेक करते रहना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तब तक उसमें ये टैब शुरू नहीं हुआ था, जिसमें समस्त संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय एवं पीओ अपने अपने विद्यालय के साथ साथ ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार में स्थित रापरावी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त कार्मिकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रविष्टि अंकन अग्रांकित विवरणानुसार करेंगे। देखिए जो पीओ है वो अपना विद्यालय का करेगा और सभी संस्था प्रधान अपने अपने विद्यालय की ऑनलाइन उपस्थिति करेंगे। पीओ अगर चाहे तो अपने पीओ लॉगिन से सभी विद्यालयों की उपस्थिति दर्ज कर सकता है, पीओ लॉगिन के माध्यम से वो हो जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। तो पीओ, क्योंकि पीओ लॉगिन है तो पीओ लॉगिन के माध्यम से वो सभी विद्यालयों की ऑनलाइन प्रविष्टि वो कर सकता है, ऐसी ये व्यवस्था इसमें की गई है। तो अब देखिए हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी बात की आगे। तो पीओ लॉगिन के माध्यम से पीओ कर सकता है, इसके अलावा संस्था प्रधान चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहले पीओ संस्था प्रधान स्तर पर करनी है कार्य। सर्वप्रथम कार्मिकों द्वारा वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही कार्मिकों की उपस्थिति का अंकन किया जाएगा पंजिका में। इन लाइन थोड़ी सी मैंने सही नहीं बोली, ये है कहने का मतलब पंजिका में तो अंकन करना ही है, उसको हमें बंद नहीं करना है। तदुपरांत पंजिका में उपस्थिति सभी कार्मिकों को अपने अपने अंकित करने के बाद संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण लॉगिन पर स्टाफ टैब आता है। देखिए हम सभी को पता है शाला दर्पण जब हम खोलते हैं अपने विद्यालय का तो एक टैब प्रदर्शित होता है, स्टाफ का टैब में प्रदर्शित स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। नीचे इसकी पिक्चर भी दी हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि शाला दर्पण पर जब हम लॉगिन करेंगे तो स्टाफ टैब आता है, हमेशा अभी प्रचलित है, और उस टैब में एक नया मॉड्यूल जोड़ दिया जाएगा, स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल है, और उसके माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया संपादित की जाएगी। स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में संबंधित विद्यालय का नाम, पीओ विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय एवं समस्त रावप्रावी के नाम प्रदर्शित होंगे, यानी अपना जो पीओ लॉगिन है हमेशा की तरह पीओ लॉगिन में सभी विद्यालयों के नाम प्रदर्शित होते हैं स्टाफ टैब में, वैसे ही पीओ लॉगिन में सभी विद्यालयों के नाम होंगे। तो पीओ चाहे तो अपने लॉगिन से सभी विद्यालयों की उपस्थिति कर सकता है, या सभी विद्यालय अपने अपने स्तर पर अपनी उपस्थिति शाला दर्पण के मॉड्यूल में करेंगे। स्टाफ टैब में आपको ये मिलेगा स्टाफ डेली अटेंडेंस,
अब जब आप इस स्टाफ डेली अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। वांछित विद्यालय क्लिक करने पर उस विद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी कार्मिकों के नाम आवश्यक विवरण सहित प्रदर्शित होंगे। संस्था प्रधान द्वारा कार्मिक उपलब्ध ड्रॉपडाउन मेन्यू से उपस्थिति। अब देखिए जैसे ही आप स्टाफ डेली अटेंडेंस पर स्टाफ टैब में जाएंगे, स्टाफ टैब में जाके स्टाफ डेली अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो सभी कार्मिकों का नाम आ जाएगा। देखिए वांछित विद्यालय पर क्लिक करने पर उस विद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी कार्मिकों के नाम, यानी पीओ लॉगिन से सभी विद्यालयों के नाम आएंगे और उस विद्यालय एक विद्यालय पे हम क्लिक कर लेंगे अपने विद्यालय पे या किसी पे भी तो उस कार्मिकों के नाम आ जाएंगे। और नाम आने के बाद उस नाम के आगे देखिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे, उपस्थित, अवकाश, यात्रा, अनुपस्थित, अन्यत्र ड्यूटी, यानी कार्मिक के नाम के आगे ये ऑप्शन होंगे। इनमें से जैसे उपस्थित है तो उपस्थित कर देंगे, अवकाश है तो अवकाश कर देंगे, यात्रा पर है तो यात्रा कर देंगे, अनुपस्थित है तो अनुपस्थित कर देंगे, अन्यत्र ड्यूटी है तो अन्यत्र ड्यूटी कर देंगे, तो कर्मचारी की उपस्थिति हो जाएगी। ऐसा ही हमें सभी कार्मिकों के साथ करना है, जितने भी कार्मिक है सभी कार्मिकों के जो भी है वो उपस्थित अनुपस्थित जो भी है वो उनके सामने उसमें दर्शाना है। और सब कुछ करने के बाद सूची के अंत में प्रदर्शित रेडियो बटन मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करने पर प्रकटित पॉपअप विंडो में समस्त कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में वस्तु स्थिति का सावधानी पूर्वक पुनः अवलोकन करें। और क्या होगा कि सभी कार्मिकों की सूची के अंत में एक मार्क अटेंडेंस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो एक होगी जिसमें आप देख लें कि सभी कर्मचारियों की सही उपस्थिति हुई या नहीं हुई। प्रेक्षित उपस्थिति वर्णन में संशोधन वांछनीय होने की स्थिति में गो बैक टू मॉडिफाई विकल्प पर क्लिक कर तदुपरांत संशोधन योग्य प्रविष्टि का शुद्धिकरण करेंगे। यानी हमने एक बार अटेंडेंस कर दी, एक बार अटेंडेंस करने के बाद नीचे लिखा हुआ आएगा मार्क अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें सभी कार्मिकों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि किस कार्मिक का हमने क्या किया, उपस्थित किया है, अनुपस्थित किया। मान लीजिए कोई गलत हो गया तो आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो होगा गो बैक टू मॉडिफाई और एक होगा यस मार्क अटेंडेंस। दो ऑप्शन उस विंडो के नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे गो बैक टू मॉडिफाई और यस मार्क अटेंडेंस। यदि सभी कार्मिकों की उपस्थिति सही सही दर्ज हो गई तब तो हम करेंगे यस मार्क अटेंडेंस, और अगर मान लीजिए कोई गलती रह गई, क्योंकि यस मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते, सीधी सी बात यही है, तो हम उस विंडो में गो बैक, यदि कोई गलती रह गई तो हम गो बैक टू मॉडिफाई पर करके और संशोधन योग्य प्रविष्टि का शुद्धिकरण कर देंगे। मान लीजिए कोई कार्मिक उपस्थित है और गलती से अनुपस्थित हो गया तो गो बैक टू मॉडिफाई पे जाके हम उसका शुद्धिकरण कर देंगे और उसके बाद सब कुछ सही है तो हम कर देंगे यस मार्क अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे और ऑनलाइन उपस्थिति अपनी हो जाएगी। यानी सबसे पहले स्टाफ टैब पे जाना है, स्टाफ के बाद में स्टाफ डेली अटेंडेंस पे जाना है और उसके बाद सभी कार्मिकों के नाम आएंगे। वैसे पीओ लॉगिन से करेंगे तो सभी स्कूलों के नाम आएंगे, जिस स्कूल की आपको अटेंडेंस करनी है वो स्कूल खोल लेंगे। स्कूल खोलते ही सभी कार्मिकों के नाम आएंगे और सभी कार्मिकों के नाम के आगे उपस्थिति, अनुपस्थिति, अवकाश, यात्रा, ये सभी ऑप्शन मिलेंगे तो जो भी है कर्मचारी वो उसके सामने अंकित कर देंगे। यदि सब कुछ सही है तो यस मार्क अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे और यदि सही नहीं है तो गो बैक टू मॉडिफाई पर जाकर उसे संशोधित कर देंगे। ये थोड़ी सी प्रक्रिया है। अब देखिए विद्यालय की उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात, जैसे हम यस मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय की उपस्थिति दर्ज होने के पश्चात ऑल स्टाफ अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली संदेश उपस्थिति कॉलम हरे रंग का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि सभी कार्मिकों की आपने सही सही उपस्थिति दर्ज कर दी तो ऑल स्टाफ अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली जो कॉलम है वो हरे रंग का हो जाएगा। प्रत्येक कार्मिक के सामने का जो कॉलम है वो हरे रंग का हो जाएगा, जिसके पश्चात उपस्थिति में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यानी आपने उपस्थिति कर दी तो उसके बाद उसमें संशोधन यस मार्क अटेंडेंस करने के बाद नहीं होगा, सेव्ड सक्सेसफुली का आगे हरे रंग की एक पट्टी आ जाएगी कार्मिक के नाम के आगे। पीओ विद्यालय के अधीनस्थ प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति का अंकन संबंधित संस्था प्रधान द्वारा भी किया जा सकता है। पीओ अधीनस्थ विद्यालय है तो संबंधित संस्था प्रधान भी अपने शाला दर्पण के माध्यम से इसका अंकन कर सकता है और पीओ लॉगिन से भी कर सकता है, जैसा उचित लगे वैसा ही हम कर सकते हैं। उपस्थिति अंकन की स्थिति में जिस विद्यालय की उपस्थिति भर दी जाएगी उसके समकक्ष स्टेटस पर सही का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देगा। यानी जिस विद्यालय की उपस्थिति भर दी जाएगी पीओ लॉगिन से जब हम देखेंगे तो उस विद्यालय के समक्ष सही का चिन्ह आपको दिखाई देगा, विद्यालय के नाम के सामने पीओ लॉगिन से जब हम देखेंगे तो।
एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। उक्तानुसार बिंदु संख्या 3 में वर्णित यस मार्क अटेंडेंस बटन का चयन समस्त कार्मिकों की उपस्थिति संबंधित अंकन की शुद्धता 100% सुनिश्चितता के उपरांत करे। तो ये देखिए, ये सबसे मेन बात है, यस मार्क अटेंडेंस एकदम पूरी तरह से चेक करने के बाद ही आप यस मार्क अटेंडेंस करें, उससे पहले नहीं करें, क्योंकि यस मार्क अटेंडेंस करने के बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, प्रथमतः ऑनलाइन उपस्थिति अंकन के लिए संपूर्ण कैलेंडर दिवस मध्य रात्रि तक में प्रविष्ट किए जा सकने की व्यवस्था रखी गई। अभी हाल फिलहाल क्या व्यवस्था है कि जिस दिन की अटेंडेंस है, जैसे आज 15 तारीख, तो 15 तारीख की अटेंडेंस आप 15 तारीख को मध्य रात्रि तक कर सकते हैं, 16 तारीख को वो अटेंडेंस नहीं होगी। परंतु संस्था प्रधानों से यह अपेक्षा है कि उपस्थिति पंजिका में प्रविष्ट हस्ताक्षर उपरांत यथाशीघ्र ऑनलाइन उपस्थिति अंकन की प्रक्रिया संपन्न करें। यानी इसका समय तो अर्धरात्रि तक का है, लेकिन अर्धरात्रि करनी नहीं है, यथाशीघ्र ऑनलाइन उपस्थिति करनी है, क्योंकि उपस्थिति अंकन की प्रक्रिया संपादन का समय पोर्टल पर ऑनलाइन संधारित होगा, समय उस पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। जितनी लेट हम करेंगे उतना ही हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड गड़बड़ होगा, इसलिए यथाशीघ्र ये काम करना है। यूँ नहीं है कि 12 बजे तक मध्य रात्रि तक है तो 11 बजे हम ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर देंगे, तो दर्ज तो हो जाएगी लेकिन विद्यालय का रिकॉर्ड है वो सारा दर्पण की स्टेट सेल में उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। संस्था प्रधान द्वारा किसी दिवस की उपस्थिति अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को उपस्थिति संबंधित अंकन प्रविष्टि ऑनलाइन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी दिन आपने प्रविष्टि नहीं की तो दूसरे दिन उसको नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व होगा, उत्तरदायित्व संस्था प्रधान का होगा। उसके बाद में ब्लॉक जिला लेवल पर इसका पर्यवेक्षण होता रहेगा, नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रक्रिया, अब देखिए अवकाश आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। वो कर्मचारी को खुद के जो स्टाफ विंडो पे हमने जो रजिस्ट्रेशन किया वहां से करनी पड़ेगी। मैं स्वयं के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, स्टाफ विंडो से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आवेदक का नाम व पद प्रदर्शित होगा तथा अवकाश से संबंधित विशिष्टियों की प्रविष्टि किए जाने उपरांत नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर आवेदित अवकाश का विवरण अवलोकन हेतु प्रदर्शित होगा, जिसे पुनः जांच कर शुद्ध प्रविष्टियां पाए जाने पर चेकबॉक्स में टिक करके आवेदन करें। यानी नाम प्रदर्शित हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अवकाश का विवरण होगा और उसके बाद चेकबॉक्स में टिक करके हम आवेदन कर सकते हैं। तदुपरांत प्रदर्शित लीव रिक्वेस्ट अप्लाइड पॉपअप पर क्लोज बटन का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यानी लीव रिक्वेस्ट अप्लाइड हो जाएगा, उसको क्लोज कर देंगे तो वो अपनी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। रामावी राउमावी के संस्था प्रधान द्वारा अवकाश आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर से स्वीकृत होगा। यानी संस्था प्रधान है सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो उनके जो अवकाश आवेदन है वो सीधे सीबीओ लॉगिन से होंगे। अब क्या है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने ये कर दिया आवेदन, तो अवकाश का आवेदन करने के बाद वो कहाँ जाएगा? देखिए, अवकाश आवेदन पूर्ति पश्चात सबमिट करने पर आवेदन संबंधित विद्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होगा, जिस पर संस्था प्रधान द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जैसे ही आपने स्टाफ विंडो से अप्लाई किया तो वो संस्था प्रधान के लॉगिन पर चला जाएगा। संस्था प्रधान कहाँ देखेगा? देखो, संबंधित आवेदक द्वारा लीव स्टेटस में अवकाश आवेदन की स्वीकृति की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं स्टाफ में जाएंगे आप, मतलब मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, अवकाश का आवेदन कर दिया स्टाफ विंडो से, तो वो कहाँ चला जाएगा? आपके आपके विद्यालय की स्टाफ विंडो में एक ऑप्शन है लीव स्टेटस, उसमें वो चला जाएगा और वहाँ से उसकी स्वीकृति संस्था प्रधान द्वारा कर दी जाएगी। तो ये है कुछ बातें। देखिए, ये एक बात एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा स्टाफ विंडो पर। लॉगिन करने पर आवेदक का नाम व पद प्रदर्शित होगा, नाम व पद आ जाएगा। अवकाश से संबंधित विशिष्टियों की प्रविष्टि किए जाने के उपरांत नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो अवकाश से संबंधित प्रविष्टियाँ आएंगी, वो करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और आवेदित अवकाश का विवरण अवलोकन हेतु प्रदर्शित होगा। हमारे पास वो विवरण आएगा, जिससे पुनः जांच कर प्रविष्टियां पाए जाने पर चेकबॉक्स में टिक करके आवेदन करें। एक नीचे चेकबॉक्स आएगा, यदि सब कुछ सही है तो उसमें टिक करके हम आवेदन कर देंगे और लीव रिक्वेस्ट अप्लाइड नाम का एक पॉपअप आ जाएगा, उसको क्लोज कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। संस्था प्रधान उसे लीव स्टेटस में जाके देखेगा। अब आइए इसकी जाँच करते हैं कि शाला दर्पण पर अभी ये चीज़ें शुरू हुई है या नहीं है, तो एक बार मैं शाला दर्पण पर जाके आपको बताता हूँ। चलिए शाला दर्पण पे जाके इसकी जांच करते हैं अभी। तो आइए इस चीज की जांच करते हैं कि ये चीज शाला दर्पण पे अभी शुरू हुई है नहीं हुई। नहीं हुई है अभी, तो
चेक कर लेते हैं, एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। देखिए हमने गूगल खोल लिया है और राजरमसा टाइप करूंगा मैं। राजरमसा करके मैंने सर्च पे क्लिक किया, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ऊपर देखिए एक योजना के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे शाला दर्पण खोलते हैं वैसे ही मैं खोल रहा हूँ, और चेक कर रहे हैं कि अभी ये टैब शुरू हुआ है नहीं हुआ, केवल इसके लिए शाला दर्पण खोल के मैं बता रहा हूँ। कैप्चा लगा देता हूँ, अब देखिए ये शाला दर्पण खुल चुका है। शाला दर्पण खुला है, अब इसमें स्टाफ टैब पे जाना है। आपको मैंने कहा था स्टाफ टैब पे जाना है, तो स्टाफ में देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं। तो स्टाफ डेली अटेंडेंस का ऑप्शन अभी चालू नहीं हुआ है, सारे ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, स्टाफ डेली अटेंडेंस का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। होने के बाद आपको स्टाफ डेली अटेंडेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद जिस स्कूल की उपस्थिति करनी है उसको खोल लेना है, और उसके प्रत्येक कार्मिक का नाम आ जाएगा, उसके आगे उसकी उपस्थिति दर्ज करनी है, उपस्थिति अनुपस्थिति अवकाश दर्ज कर देना है। नीचे यदि सब कुछ सही है तो यस मार्क पे क्लिक कर देना है, नहीं सही है तो गो बैक टू मॉडिफाई करके उसको सेलेक्ट करके सही कर देना है। उसके बाद सब कुछ सही करने के बाद यस मार्क पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइनल सेव हो जाएगा, और प्रत्येक कार्मिक के आगे हरे रंग की पट्टी आ जाएगी, इसका मतलब आपकी उपस्थिति हो गई। ये इसका फॉर्मेट रहेगा। एक देखिए एक बहुत अच्छी योजना शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई है, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना। 20 तारीख उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना की पूरी जानकारी उसमें दी गई है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।